शालोम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द ओवरकमर्स। इससे पहले कि आज का मैसेज चालू करूं, ये मैसेज उस तक पहुंचना जरूरी है जिसको इसकी बहुत जरूरत है, और वो माध्यम आप ही हैं। इसीलिए अगर आप इस मैसेज को देख रहे हैं तो जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और दूसरों से शेयर करना मत भूलिए। आज के मैसेज का नाम है अकेलापन। इस मैसेज को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जिस बात से आप डरते हैं, जो चीज आपके ऊपर थोपी जा रही है, वही आपकी सबसे बड़ी क्षमता और आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकती है। मैं मत्ती के सुसमाचार 4 अध्याय मैथ्यू चैप्टर 4 से वचन कहता है, और आत्मा यीशु को निर्जन प्रदेश ले गया, आत्मा यीशु को जंगल में ले गया, आत्मा यीशु को अकेले में ले गया। अकेलापन ऐसी जगह है जहां हम ऐसे रहना तो नहीं चाहते, परंतु आज मैं आपको समझाना चाहता हूं, यही अकेलापन यदि आपके ऊपर थोप दिया गया है तो वो आपके जीवन की सबसे बड़ी क्षमता बन सकती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप वो विश्वासी हैं जिसके अंदर प्रभु यीशु का आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा है, तो आप पहले ही अलग कर दिए गए हैं। दुनिया आपको नहीं पहचानेगी, दुनिया आपको नहीं समझेगी, आपको बताने की जरूरत नहीं, आप विश्वासी हैं। आपका प्रभु में होना, उसकी आत्मा आपके अंदर होना, इसका मतलब ही आप संसार के नहीं हैं, संसार आपको नहीं पहचानता, इसीलिए आप अपने जीवन में कई बार अकेले पड़ जाते हैं। और ऐसा नहीं कि आप प्रभु को जानने के बाद ही ऐसा हुआ है, आप में से कई लोग हैं। मैं विश्वास करता हूं कि डेस्टिनी या परमेश्वर की बुलाहट एक ऐसी चीज है कि जहां हम जब पैदा होते हैं, हम कहीं ना कहीं उस सच्चे परमेश्वर की खोज में रहते हैं, और हमें या तो अलग कर दिया जाता है, हमें से बहुत से लोग हमको समझा नहीं जाता, हम उस अकेलेपन को महसूस करते, कई लोग हमको बहुत सोशली एक्सेप्टेबल नहीं मानते, ऑकवर्ड मानते हैं। पर जब हम प्रभु में आते हैं, ये चीजें कई गुना बढ़ जाते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमें से कुछ लोग लाइफ में ऑलरेडी टारगेटेड थे, हमको नहीं मालूम था वो क्या बात थी, पर जीवन की वही परिस्थितियां हमको परमेश्वर के पास लेके आई। और हमें से कई लोग जब प्रभु में आने के बाद उन्हीं परिस्थितियों से जाते, अगर आप जा रहे हैं तो आप दुनिया में इकलौते नहीं है, ऐसे सब जाते हैं। यदि आप अपने ही घर में अकेले नहीं बने विश्वास में आने के बाद, तो शायद आपने ठीक से प्रभु यीशु को जाना नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जिस चीज से हम डरते हैं, अकेला कोई नहीं रहना चाहता। परमेश्वर ने हमको ऐसा बनाया है कि हमको सोशल लाइफ चाहिए, हमको सच्चे रिश्ते चाहिए, हमको कंपेनियनशिप चाहिए, हमको साथ चलने वाले लोग चाहिए, हम चाहते हैं कि हम सोशली एक्सेप्टेड रहे। बट हम मैं बताना चाहता हूं कि यदि कोई मैसेज सुन रहा है, आप तो प्रभु में आने से पहले भी बहुत से लोग इस चीज का शिकार थे, और मैं वही समझाना चाहता हूं, आप प्रभु यीशु के थे, ऐसा नहीं कि आपने उसे अपने मन से नहीं चुना, पर आप उसके द्वारा पहले ही चुने हुए थे, आप में कुछ बात थी जो दुनिया से अलग थी। देखिए, जितना आप दुनिया से कटे हुए रहते हैं उतना ही आप परमेश्वर के लिए भी अलग रहते हैं। कई लोग समझते हैं पाप से अलग होना मतलब सिर्फ पाप से अलग होना होता, नहीं, लोग पाप से अलग होते हैं और परमेश्वर के लिए अलग होते हैं। कई विश्वासी अपने विश्वासी जीवन में पवित्रता में आगे नहीं बढ़ते, परमेश्वर की योजनाओं में आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि वो पाप से तो अलग होना चाहते हैं, लेकिन उनकी कोई ऐसी इच्छा नहीं है परमेश्वर के प्रयोजनों के लिए, उसकी इच्छाओं के लिए अपने आप को अलग करना। जब कोई व्यक्ति पाप से अलग होता है, वो परमेश्वर के लिए भी अलग हो जाता है। जब कोई व्यक्ति को दुनिया अलग कर देती है, ये उसके लिए श्राप नहीं है, ये उसके लिए एक्चुअली एक ब्लेसिंग है। अब यदि परमेश्वर का वचन ठीक से पढ़ेंगे, आप देखेंगे कोई ऐसा विश्वासी नहीं था। आप प्रभु यीशु को देख लीजिए, पॉल को देख लीजिए, यूहन्ना जिसको पैटमोस के आइलैंड में बंद कर दिया गया या कैद कर दिया गया, पौलुस जो विश्वास नाने के बाद कई समय ऐसे निर्जन प्रदेश में बिताता है, ये इत्तफाक नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये इत्तफाक तो नहीं है, लेकिन ये सबसे बड़ी आशीष भी बन सकता है, क्योंकि अकेलापन ही वही जगह है जहां लोग परमेश्वर की आवाज सुनना सीखते हैं। अकेलापन ही वही जगह है जहां अकेले रह के पहली बार डर नहीं लगता, क्योंकि अब हम परमेश्वर के जन हैं, और अकेले जब हम उसकी उपस्थिति को पहचान जाते हैं, हम लाइफ में कॉन्फिडेंस में बढ़ने लगते हैं। अकेलापन ही रेवलेशन की जगह है, परमेश्वर भीड़ में बात नहीं करते, परमेश्वर जब लोगों को अलग करते हैं, जब लोग अपने आप को अलग करके एक खाली स्थान में आते हैं, और जरूरी नहीं वो खाली स्थान बिल्कुल जीवन का सही में कोई लिटरल निर्जन प्रदेश हो,
परंतु जब कोई अपने आप को एम्प्टी करके उस एम्प्टी स्पेस में लाता है जहां वो अकेला है ताकि वो परमेश्वर की आवाज सुन सके, ऐसे ही जगह लोग रेवलेशंस में चलते हैं। जब प्रभु के दास कोई नई रेवलेशन लाते वो इससे नहीं जाते कि भीड़ में चल रहे हैं, वो अपने आप को सेपरेट करते हैं ताकि परमेश्वर की आवाज सुन सके। अकेलापन ही वही जगह है जहां ना कोई लड़ाई है, किसी और के साथ कोई संघर्ष नहीं है, कोई और नहीं है जो आपकी क्षमता को पूरी एनर्जी को निकाल दे, सिर्फ आप हैं। और वो अकेलापन है जहां आप परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए, उसके तरीकों को समझने के लिए, जीवन पर मेडिटेट करने के लिए तैयार हैं। अकेलापन ही वो जगह है जहां लोग वापस अपनी क्षमता को पाते हैं। यदि आप विश्वासी जीवन में खाली हो गए हैं, आप ड्राई हो गए हैं, आप थक गए हैं, आपकी क्षमता निकल गई है, आपको भी उस समय की जरूरत है जहां आप अपने आप को अकेला करके उस स्थान में आए जहां स्पिरिचुअली आपको रेस्टोर किया जा सके, जहां आपके सोल आपकी सोल वापस रेस्टोर हो सके। वह मुझे शांत जल के पास ले आके मुझमें नवजीवन का संचार करता है। परमेश्वर एक शांत जगह में लाना चाहते हैं, एक प्लेस में लाना चाहते हैं जहां लोग रिफिल कर सके, जहां उनकी स्ट्रेंथ वापस आ सके। मैं बता रहा हूं, बहुत से विश्वासी संघर्ष कर रहे हैं, आप अकेलापन नहीं चाहते, आप पे थोप दिया गया है। आप बोलेंगे मेरे साथ ऐसा क्यों ना, क्योंकि आप संसार के नहीं हैं। हम में से कुछ लोग अपने आप को संसार से कन्फर्म करना चाहते हैं, हम चाहते हैं हम संसार को एक्सेप्टेबल हो, लोगों दुनिया को एक्सेप्टेबल हो, पर हम इस दुनिया के नहीं है। जिस दिन आप इस फैक्ट को समझेंगे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कोई आपको अलग करे, आप खुद समझ जाएंगे कि मैं दुनिया का नहीं हूं, हम में वो आत्मा नहीं है जो संसार में, संसार उसको ग्रहण नहीं कर सकता, इसलिए शायद संसार हमको समझता नहीं, हमसे नफरत करता है। पर यदि आप वो हैं जो स्थान में है, मैं आपको बता रहा हूं, यही प्लेस आपकी स्ट्रेंथ की प्लेस बन सकती है, यही प्लेस रेवलेशन की प्लेस बन जाती है, यही प्लेस वो प्लेस बन जाती है जहां लोगों की स्ट्रेंथ रिस्टोर होती है, उनको वापस स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिलती है, परमेश्वर के इरादों को समझते हैं। लाइफ में जब हम अकेले हो जाते हैं, जब हमारे साथ कोई नहीं होता, कई बार तभी हम परमेश्वर की ओर देखना चालू करते हैं, कई लोग तभी प्रार्थना की आग को पाते हैं, कई लोग तभी उस सामर्थ को अनुभव करते हैं। देखिये, निर्जन प्रदेश में 40 साल तक मूसा अकेला घूम रहा था, जब तक उस पहाड़ में नहीं पहुंचा जो परमेश्वर का पहाड़ था, और उस जलती झाड़ी को देख के उसको उसका लाइफ का मिशन वापस मिल जाता है। अकेलापन ही वही जगह है जहां आप अपनी रियलिटी को समझने लगते हैं, लाइफ के बहुत से फैक्ट जिससे आप भाग रहे हैं उसको एक्सेप्ट करना सीखते हैं। हम में से कितने लोग हैं, हमारा दिमाग दुनिया के तरीकों से चलता है, दुनिया के सोच के अनुसार चलता है, हमारे माइंड बिल्कुल शेप्ड है वर्ल्ड से। अकेलापन ही वो जगह है जहां ये जो दुनिया हमारे दिमाग पर असर करके रखती है, ये सोशल इंजीनियरिंग ब्रेक हो जाती है। ना केवल लोग अपनी रियलिटी के टर्म्स में आते हैं, परंतु लाइफ में जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसके बारे में सोचने पे मजबूर भी होते हैं। सोच के देखिए, अकेलापन ही वो जगह है जहां कंफ्लिक्ट खत्म हो जाते हैं, आपके साथ कोई है नहीं, आपके पास कोई है नहीं जिससे आप संघर्ष कर रहे हैं। ये संघर्ष अब अपने ही अंदर का संघर्ष है। हम में से कितने लोग रिलेशनली स्ट्रगल कर रहे हैं, आप नहीं चाहते हुए भी बार बार आप उसी अकेले स्थान में आ जाते हो। बट ये कितनी ब्लेसिंग है कि पहली बार किसी के साथ संघर्ष नहीं करना। कई बार प्रभु खुद ही अपने लोगों को अकेला लेके आते हैं ताकि उनके लाइफ के बारे में परमेश्वर की जो योजना है उसको परमेश्वर दिखा सके, एक रेवलेशन की प्लेस में ला सके, उनके माइंड को शेप कर सके, उनसे बात कर सके, उनको एक नए मार्ग पे ले चल सके। प्रभु ने अब्राहम को बोला, अपने 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 राष्ट्र से अलग हो, अपने देश से अलग हो जाओ, अपने घर से निकल आओ। ये उसकी कॉलिंग थी। कॉलिंग बहुत इंडिविजुअल, ये बहुत ये अकेला कर देने वाली चीज है, ये व्यक्तिगत रूप से लोगों को बुलाते हैं परमेश्वर। कहीं किसी पति पत्नी को एक साथ नहीं बुलाया गया, बच्चों को मां बाप के साथ नहीं बुलाया गया। आप बाइबल खोल के पढ़िए, कहीं भी किसी दो जन को एक साथ नहीं बुलाया गया, एक जन को बुलाया गया। या तो आपका जीवन साथी आपका साथ देगा या नहीं देगा, या तो आपके दोस्त, आपके भाई, आपका परिवार आपका साथ देगा या नहीं देगा, पर कहीं भी किसी को अकेला ही बुलाया गया, किसी के साथ नहीं बुलाया गया। सो ये लोनलीनेस वो जगह बन जाती जहां स्टिल हो जाते हैं। स्टिल वचन कहता है भजन संहिता 46:10 में, शांत हो और जान जाओ मैं ही परमेश्वर हूं, मैं ही यहोवा हूं। स्टिल ये वो प्लेस है जहां सारी उथल पुथल एक बार बंद हो जाती है, प्राणों में एक बार रेस्ट आता है ताकि हम परमेश्वर की अगुवाई को अपने जीवन में समझ सके, हम उसकी उपस्थिति को महसूस कर सके, हम उससे बातें कर सके,
हम उसकी आवाज क्लियरली सुन सके, हमारे मन में कई जो सवाल है उसके जवाब मिल सके, लाइफ में बहुत से भेद सुलझाए जा सके। सोचिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं अकेले नहीं जीने के लिए, लेकिन अकेला ही वो जगह जहां पहली बार जीवन में कोई स्ट्रगल नहीं है किसी से अपने आप को कंफर्म करने के लिए, कोई स्ट्रगल नहीं है किसी से एग्री करने के लिए, कोई स्ट्रगल नहीं है कॉम्प्रोमाइज करके किसी को सेटिस्फाई करने के लिए। आपको जान के खुशी होगी आप अकेले ही पैदा हुए थे, यू वर बॉर्न अलोन, किसी के साथ आप पैदा नहीं हुए थे। लेकिन फिर भी हम जब प्रभु में आते हैं, जब हमको रिजेक्ट किया जाता है या चाहे अनचाहे हम पे वो लोनलीनेस फोर्स की जाती है, एक बार हम चाहते हैं हम सोशली कंफर्म करें, हम लोगों से कंफर्म करें। और कई लोग ऐसे रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे हैं जहां कॉम्प्रोमाइज छोड़ के आपको कुछ मिलता नहीं है। अगर आप अकेले आ गए हैं तो टेक ए डीप ब्रेथ, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप उस ऐसी प्लेस में आ गए जहां किसी से एग्री करने की जरूरत नहीं है इस समय, जहां कोई कंफ्लिक्ट नहीं है। अपने वैम्पायर की तो कहानी सुनी होगी, वैम्पायर तो खून चूसते हैं। दुनिया में इतने लोग हैं जो दूसरों का खून चूसते हैं। आप देखेंगे हमें से कई लोग, हमारी एनर्जी ड्रेन्ड हो जाती है रिलेशनशिप्स में, हमारी एनर्जी ड्रेन्ड हो जाती है ऐसे लोगों के साथ रहने में जिनके साथ रोज रहने में संघर्ष है। आपको जान के खुशी होगी अकेलापन वो जगह है जहां पहली बार आप उस स्थान में आ जाते हैं जहां अभी कोई आपका खून चूसने वाला बाकी नहीं है, कोई आपकी स्ट्रेंथ आपसे छीनने वाला बाकी नहीं है। यू आर ऑल अलोन बाई योर सेल्फ, और यही स्ट्रेंथ की जगह बन जाती है लाइफ में। बहुत से लोग हैं उनके पास लाइफ में टाइम नहीं है जरूरी चीजों को सोचने के लिए। लोनलीनेस वो प्लेस है जहां फर्स्ट टाइम आपको आपकी बिजी शेड्यूल से ब्रेक मिलता है और आप रेडी हैं लाइफ में मेडिटेट करने के लिए, आप रेडी हैं परमेश्वर के वचनों पे मेडिटेट करने के लिए, आप रेडी हैं लाइफ में ऐसी चीजों के बारे में सोचने के लिए जिसके लिए हो सकता है आपके पास आज तक फुर्सत नहीं थी। देखिए अकेलापन वो जगह है पहले जहां फर्स्टली आप जब अकेले होते हैं, तो सिक्स स्टेजेस में बोल सकता हूँ, तो सबसे पहले एक नई एनर्जी को लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, नई एनर्जी, क्योंकि पहली बार एनर्जी कुछ करके नहीं निकल रही, किसी से लड़के नहीं निकल रही, आप किसी काम में व्यस्त नहीं है, फर्स्ट टाइम आप एक नई लेवल ऑफ एनर्जी को एक्सपीरियंस करते हैं। जब लोग उस स्थान में आते हैं तो नेक्स्ट स्टेप होता है कि आप रिफ्लेक्शन में चले जाते हैं, जीवन पर मनन करना चालू करते हैं, परमेश्वर के वचनों पर मनन करना चालू करते हैं, कुछ क्रिटिकल क्वेश्चन जो अपने आप से पूछने आप उसको पूछना चालू करते हैं, आप लाइफ को एग्जामिन करते हैं, आप अपने आप से डील करते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, आपको पहली बार एहसास होता है आप अकेले नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति को आप डिस्कवर करते हैं, आप गॉड के प्रेजेंस को डिस्कवर करते हैं, और पहली बार वो अकेले रहने का डर आपके अंदर से चला जाता है क्योंकि अब आप परमेश्वर के प्रेजेंस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो फियरफुल है, उनका फियर इसी स्टेज में चला जाता है क्योंकि अब उनको पहली बार एहसास होता है कि वो कभी अकेले नहीं है, परमेश्वर उनके साथ है, द लॉर्ड इज विद देम। और फिर क्या होता है, उस चौथे स्टेज में आप दुनिया को समझने लगते हैं, आप दुनिया की रियलिटी समझने लगते हैं, आप दुनिया को वैसे ही देखने लगते हैं जैसे है, आपकी आंखों से वो पर्दा हटने लगता है, आपको लाइफ की रियलिटी, वर्ल्ड की रियलिटी समझ में आने लगती है। अब फिफ्थ स्टेज, पहले तो आदमी अकेलेपन के डर से जाता है, उससे पहले अपने जीवन पर मनन करता है, उससे पहले एनर्जी को फील करता है, नेक्स्ट स्टेज में वर्ल्ड से डिलीवर होता है, और उसके बाद जो डिलीवरेंस होता है आपको पहली बार समझ में आता है कि मेरे को किसी की जरूरत नहीं है जीवन में खुश रहने के लिए। देखिए कई लोग, अगर आप शादी के पहले अकेले थे तो शादी के बाद भी आप अकेले रहेंगे, यदि आप शादी के पहले इमोशनली स्ट्रांग नहीं थे तो शादी आपको इमोशनली स्ट्रांग नहीं कर देगी। शादी दो इमोशनली स्ट्रांग लोगों के बीच में जो अपने आप में स्ट्रांग है, परमेश्वर से स्ट्रेंथ ड्राइव करते हैं, तब शादी ब्लेसिंग मिलती है। इस फिफ्थ स्टेज में तब लोगों को समझ में आता है, मतलब हमको खुशी के लिए किसी और की जरूरत नहीं, परमेश्वर काफी है। अब जो लाइफ में एडिशंस होते हैं वो लोगों के होते हैं जो उस योजना से जुड़ना चाहते हैं जिस योजना में आप जुड़े हो, जो जीवन को वैसे ही देखते हैं जैसे आप अब देखना चालू किए हो, जिनकी जीवन की योजनाएं वैसी हैं जैसे आपके जीवन की योजना है, जो परमेश्वर को वैसा ही सम्मान देते हैं अपने जीवन से जैसा आप देते हैं। और जब लोग सिक्स स्टेज में आते हैं अपने आप को समझ जाते हैं, दिस इज द फर्स्ट टाइम इन लाइफ कि आपकी इनसिक्योरिटीज चली गई, आपका जो कई लोगों का लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है वो चला जाता है। क्यों?
उन्होंने अकेलेपन में ना केवल परमेश्वर को जाना है, परमेश्वर में अपने आप को पहचान लिया है। वो वीकनेस की जगह उनकी स्ट्रेंथ की जगह बन जाती है, वो पेन की जगह उनकी जॉय की जगह बन जाती है, वो खामोशी की जगह उनकी रेवलेशन की जगह बन जाती है। और जहां आदमी सोचता वो अकेला है, फर्स्ट टाइम वो डीप फेलोशिप फादर के साथ चालू हो जाती है, जीसस के साथ चालू हो जाते हैं, होली स्पिरिट के साथ चालू हो जाती है। पहली बार आप परमेश्वर को शांति में जानना सीखते हो। ये देखिए, जब तक किसी के जीवन में उसके प्रेयर लाइफ में ऐसे ब्रेक थ्रू नहीं आते, लोग हमेशा भीड़ चाहते हैं। ऐसे ब्रेक थ्रू आने के बाद लोगों को वैल्यू समझ में आती है कि यीशु बोलते हैं अपना दरवाजा बंद करके अपने पिता से प्रार्थना करो, इसका मतलब क्या होता है। जो भी अकेला जाता है, जो भी अपने आप को अकेला करता है, जो भी फास्टिंग प्रेयर के लिए अपने आप को सेपरेट करता है, जो परमेश्वर को सीख करने के लिए अपने आप को सेपरेट करता है, वो हमेशा पावर और स्ट्रेंथ और रेवलेशन और जॉय के साथ वापस आता है। कई लोगों मिनिस्ट्री में खाली हो जाता है। मेरी हमेशा आदत है, जब भी मिनिस्ट्री में मैं एक समय बहुत पोर आउट हो जाता हूँ, एम्प्टी हो जाता हूँ, मैं अपने आप को अलग कर लेता हूँ। वो सीजन होता है सीकिंग का। मेरा ये साल सीकिंग का साल चल रहा है। ये पूरा साल डेडिकेटेड है प्रेयर, फास्टिंग और लॉर्ड को सीख करने के लिए और उसके करीब आने के लिए और अकेले में उसको जानने के लिए और अपनी लाइफ के पर्पस को ठीक से समझने के लिए और एक नए स्ट्रेंथ को अपनी लाइफ में गेन करने के लिए। देखिए, इस पूरे सीजन एक बात समझा रहा हूं, अकेले चलने से डर नहीं लगता, गलत लोगों के साथ चलने से डर लगता रहा। दूसरी बात बताना चाहता हूं, अकेला रहना उतना खराब नहीं है, अकेले रहने से ज्यादा खराब है भीड़ में रह के अकेलापन महसूस करना। हम में से इतने सारे लोग हैं, ऐसी कंपनी, ऐसे लाइफस्टाइल, ऐसे वर्ल्डली वे में जी रहे हैं कि हम वहां जी के भी घुट रहे, क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं, हम जी के भी सेटिस्फाइड नहीं। हम में से कुछ लोग भीड़ में हैं, लेकिन हम भीड़ में भी अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। ये अकेलापन में होने से ज्यादा खतरनाक है। कई बार बहुत सारे लोगों से घिरे रहने से बहुत घुटन होती है, और यही अगर आप उसी स्पेस से जा रहे हैं, ये टाइम है अपने आप को सेपरेट करिए, अकेला करिए, ताकि आप परमेश्वर की आवाज सुन सके। जब आप भी आदमी अपने आप को अकेला करता है, यही वो टाइम है क्रिएटिव आइडियाज आते हैं। आप कभी भी किसी साइंटिस्ट की स्टोरी पढ़िए, भीड़ में उनको आइडियाज नहीं आए, अकेले बैठ के सोच के। हम एज बिलीवर्स, हमको बुलाया गया ताकि हम परमेश्वर के वचनों पर मनन कर सके, अपने जीवन को परमेश्वर की आंखों से देख सके। जब हम उस स्टेज में आते हैं, बहुत सी जगह जहां हमारा कई बार दिमाग काम करना बंद कर देता, बट यही वो जगह है जहां पहली बार फ्रेश क्रिएटिव आइडियाज, रेवलेशन, एक नए विजन, नई अंडरस्टैंडिंग के साथ लोग बाहर आते हैं। अकेलापन ही वही जगह जहां लोगों को एनकाउंटर्स होते हैं, नए ड्रीम्स होते हैं, नए विजन्स मिलते हैं। अकेलापन ही वो जगह जहां रिफ्लेक्शन का, सोचने का समय होता है। अकेलापन ही वो जगह जहां आदमी परमेश्वर से ही घिरा होता है। यही वो स्थान है जहां किसी से अब एग्री करने की जरूरत नहीं है। अकेलापन ही वो जगह जहां उन लोगों के साथ समय बर्बाद नहीं करते जो आपकी लाइफ के लिए वैल्यूबल नहीं है। अकेलापन ही वो जगह जहां जो बॉन्डेज है लोगों का, वो ब्रेक होता है। पहली बार आदमी अपने आप के साथ, परमेश्वर के साथ अकेले रह के खुश रहना सीखता है। देखिए, हमेशा लोगों को बताया जाता नॉर्मल क्या है, ये जीने का तरीका है, यही चौड़ा मार्ग है, इस पे चलो। प्रभु यीशु कहते हैं जो चौड़ा मार्ग है वो नाश की ओर ले जाता है। बहुत से लोग उस पर चलते हैं। जब हम विश्वासी उस पर चलते हैं तो दुनिया हमको बार बार बोलती है ये नॉर्मल तरीका नहीं है, तुम दुनिया से कंफर्म करो। अकेलेपन वो जगह जहां हम इस मैट्रिक्स को ब्रेक कर देते हैं। यही वो जगह जहां लोग बहुत से अनगॉडली सोल टाई से, अनगॉडली रिलेशनशिप से, अनइक्वल योकिंग से उनको डिलीवरेंस मिल जाता है। यही वो जगह है जहां लोगों को मालूम चलता है परमेश्वर मेरे लिए काफी है, परमेश्वर का प्रेम मेरे जीवन के लिए काफी है। उसकी उपस्थिति से हम अकेलेपन से डिलीवर्ड हो गए, हम उस फियर से डिलीवर्ड हो गए कि हम अकेले हैं, क्योंकि अब हम एश्योर्ड हैं कि परमेश्वर मेरे साथ सदा है। देखिए, दुनिया भीड़ में चलती है, उनको भेड़ चाल पसंद है, जो सब कर रहे हैं वही करना है। अकेलापन वो जगह है जहां पहली बार आपको दूसरों के हिसाब से नहीं चलना पड़ता, दूसरों के हिसाब से नहीं सोचना पड़ता, दूसरों के हिसाब से लाइफ कंफर्म नहीं करनी पड़ती। जो व्यक्ति सही में परमेश्वर से प्रेम करता है, उसको ऐसे भी दुनिया में अजनबी स्ट्रेंजर बना दिया जाता है। अगर आप वो व्यक्ति हैं तो आज मैं बताना चाहता हूं, आप बहुत सही जगह पे आए हैं, आप बहुत सही जगह पे हैं, क्योंकि इस जगह ही आप अपने आप को पहचान पाएंगे और परमेश्वर की उपस्थिति को पहचान पाएंगे।
यही वो जगह है जहां मैन ऑफ गॉड टाइम टू टाइम अपने एंटायर लाइफ को स्पेंड करते हैं। यही वो जगह जहां प्रभु किसी को प्रिपेयर करने से पहले उसको लेके आते हैं। यही वो जगह है जहां यीशु को पौलुस को पवित्र आत्मा ने लेके गया था। आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, अगर आप झूठ नहीं बोलेंगे, परमेश्वर के वचन की आज्ञा पालन करेंगे, लोगों को सुसमाचार सुनाएंगे, तो आपको अकेला होने की जरूरत नहीं, आपको अकेला कर दिया जाएगा। लेकिन वही अकेलापन आपकी लाइफ की ब्लेसिंग बन जाएगा जब आप उसके पावर को जानेंगे, जब आप समझेंगे ये भी गॉड की डूइंग है, ये भी परमेश्वर का काम है, जहां वो अपने लोगों को सेपरेट और सैंक्टिफाई करके उनको अपनी योजनाओं के लिए प्रिपेयर करना चाहता है, उन पर अपने प्लान्स अनवेल करना चाहता है, उनको स्पिरिट में स्ट्रांग करना चाहता है ताकि अपनी योजनाओं में आगे बढ़ा सके। जब ये संसार का जो सामर्थ है, जो बॉन्डेज है, लोगों से ब्रेक हो जाता है, बहुत से रिलेशनशिप, काम, टाइज ब्रेक हो जाते हैं। पहली बार जब सोसाइटी का पावर ब्रेक होता है, सोसाइटी का मैट्रिक्स ब्रेक होता है, माइंड पहली बार फ्री होता है परमेश्वर की योजनाओं को ग्रैस्प करने के लिए। यही वो जगह है जहां लोग अपने आप को परमेश्वर में डिस्कवर करते हैं। अगर आप वो व्यक्ति हैं जो लाइफ में उस प्लेस में आ गया है, आप आनंद मनाइए, क्योंकि यही वो जगह है यदि आप परमेश्वर को खोजेंगे, यही वो जगह यदि आप उसके साथ समय बिताएंगे तो वो आपको अपनी योजनाओं के लिए तैयार करेंगे। यही वो जगह है जब आपको परमेश्वर मिल जाएंगे, आप बोलेंगे अब मेरा डर हट गया है, अब कॉम्प्रोमाइज के कोई सवाल नहीं है, मैंने अपने जीवन को परमेश्वर में डिस्कवर कर लिया है, अब मैं अपने लाइफ की योजना को समझ पा रहा हूँ, मुझे नए रेवलेशंस मिल गए, मैं पावर के साथ वापस आया हूँ। तब आप लाइफ को, दुनिया को फेस कर पाएंगे, तब आप डिसीजंस ले पाएंगे, वो डिसीजंस जो बहुत लोगों के पेंडिंग है। याद रखिए, अकेले चलने से डर नहीं लगता, गलत व्यक्ति के साथ चलने से डर लगता है, और अकेलेपन से ज्यादा खतरनाक है जब आप भीड़ में अकेले होते हैं। क्या आप अकेले हैं? परमेश्वर आपको तैयार करना चाहते हैं, और ये भी गॉड के प्लान का एक पार्ट है। आइए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। प्यारे परमेश्वर, जो भी इस मैसेज को सुन रहे हैं, ओ फादर गॉड, ये मैसेज सुनते ही लॉर्ड एक डिलीवरेंस मिले उसको अपने सोल में, उसके हैवी बर्डन सोल में डिलीवरेंस मिले, ये जान के कि ये भी गॉड की डूइंग है और ये भी उसकी योजना में मुझे आगे लेके जाएगा। पिता, हम धन्यवाद देते हैं, जितने लोग देख रहे हैं लॉर्ड, आप एक एक से बात करिए, उनको ब्लेस करिए और अपनी योजनाओं के लिए तैयार करिए। इस दुआ को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन और आमेन। कौन है आप जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया? जरूर सब्सक्राइब करिए। कमेंट में बताइए आप कहां से देख रहे हैं, मैसेज आपको कैसे ब्लेस करते हैं। स्क्रीन पे लिखे इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट, या कॉल करवा के प्रार्थना कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीक ओवरकमर्स में। God bless you. हेलो फ्रेंड्स, क्या आप अपने जीवन में उत्सुक हैं विश्वास के अगले स्तर में जाने के लिए? क्या आप वही विश्वासी हैं जो भूखा और प्यासा है कि परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को जाने, उसको पूरा करे? हर जीवन के साथ एक भाग्य है, कि हर विश्वासी की इच्छा है कि वो अपने भाग्य को पूरा करे। क्या आप वो विश्वासी हैं जो मन में भूखे हैं कि मुझे परमेश्वर की सेवा करनी, और आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो आपको सिखाए, तैयार करे, जो आपको शिक्षा दे और आपको वो बातें बताए जो आपको जानना जरूरी है? इन्हीं सारी कारणों से मैंने एक कोर्स तैयार किया जिसका नाम है स्कूल ऑफ फेथ। स्कूल ऑफ फेथ एक ऐसा स्थान है जहां विश्वासियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, उन्हें तैयार किया जाता है परमेश्वर की सेवा करने के लिए। जो विश्वासी इस कोर्स से जुड़े हैं, उनके बंधन टूटते हैं, उनके लाइफ में ब्रेक थ्रूज आते हैं, उनके सोचने समझने का तरीका बदलता है, वो अभिषिक्त शिक्षाएं पाके वो वचन में दृढ़ हो जाते हैं, वो परमेश्वर के वचन का प्रचार सीखते हैं, वो वरदानों से लैस होकर सेवकाई में उनके कदम आगे बढ़ते हैं। याद रखिए, अगर आपकी चाहत है कि मेरा जीवन फलदायक हो और मैं एक प्रभावशाली सेवा कर सकूं, तो कभी भी जो समय तैयारी में इन्वेस्ट किया जाता है, ये नष्ट समय नहीं है। हमने सेवा को विशेष लोगों तक नियमित करके यीशु के कई अंगों को बिल्कुल बेजान कर दिया। कितनी उमंग है यीशु की कि शरीर का हर एक अंग काम करे और उसकी पूरी देह महिमा से भर जाए। हम एक ऐसे समय की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पूरी पृथ्वी पर परमेश्वर की अद्भुत महिमा प्रकट होने वाली है, और परमेश्वर चाहते हैं एक ऐसी सेना, एक ऐसी पीढ़ी, एक ऐसे विश्वासियों को तैयार करना जो पूर्ण रूप से परमेश्वर के प्रेम और उसकी आग से भरे और तैयार हैं इस पूरी पृथ्वी में परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए, उसके राज्य को लाने के लिए। ऐसे ही लोग जो भूखे हैं, जो प्यासे हैं,
जिनको बढ़ावा नहीं मिला, आप ही के जैसे लोगों के लिए इस कोर्स को तैयार किया गया। अगर आप इस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर लिखे इस नंबर पर हमें कॉल करिए या व्हाट्सएप करिए और हम आपको सारी डिटेल्स देंगे इस कोर्स के लिए। अगर इरादा एक प्रभावशाली और फलदायक सेवा का जो जीवन भर चले, तो कभी भी तैयारी का समय नष्ट समय नहीं। प्रभु आपको आशीष।